इससे पहले की वीडियो में हमने आपसे बताया था व्हाट इज द कॉन्सेप्शन इन फैमिली लॉ। आज हम आपको बताने वाले हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के विषय में, ओके, हिंदी में कहेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द अरेंजमेंट्स ऑफ दी सेक्शंस, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम जो बनाया गया है इसमें धाराओं का क्या क्रम है। ठीक है, सर्वप्रथम हम जानेंगे धाराओं का क्रम क्या है, यानी कि व्हाट इज द अरेंजमेंट्स ऑफ दी सेक्शंस। What is the arrangements of the sections? मैं स्टार्टिंग से ही हिंदू विवाह अधिनियम को प्रारंभ करा रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्याय 1, प्रथम अध्याय, जो कि क्या कहलाता है, प्रारंभिक, यानी कि प्रिलिमिनरी। सबसे पहले यदि हम अध्यायों की बात करें तो अध्यायों के बारे में हम जानेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के भीतर मुख्य रूप से 30 सेक्शंस हैं। मीन्स द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिवाइडेड इनटू 30 सेक्शंस एंड आल्सो इट हैव 6 चैप्टर्स। क्लियर, हिंदू विवाह अधिनियम की बात करें तो 30 सेक्शंस इसमें हैं, प्लस क्या है, 6 चैप्टर्स हैं। क्लियर, सेक्शंस मीन्स धाराएं, चैप्टर्स मीन्स अध्याय, मीन्स हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर जो ये 6 अध्याय हैं, इन 6 अध्यायों में ही 30 धाराओं को विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि वो 6 अध्याय वास्तविक रूप से है कौन कौन से। ठीक है, फर्स्ट है अध्याय 1, क्या है, प्रारंभिक। क्लियर, सेकंड है हिंदू विवाह, हिंदू मैरिज, ओके। थर्ड है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन एवं न्यायिक पृथककरण, एवं न्यायिक पृथककरण, ओके। फोर्थ अध्याय है विवाह की एकृतता एवं तलाक। फिफ्थ है क्षेत्राधिकार एवं प्रक्रिया, ओके। और लास्ट 6 है व्यावर्तियां एवं निरसन के विषय में। ठीक है, तो ये
ये थे आपके 6 चैप्टर्स हिंदू विवाह अधिनियम के भीतर जो हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर्स के बारे में बताया है कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें की 30 धाराएं जो है क्या है विभक्त की गई हैं, डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट है अध्याय 1 कहता है प्रारंभिक, जिसमें की सेक्शन 1-4 आता है। क्या आता है प्रारंभिक में, प्रिलिमिनरी में क्या आएगा, सेक्शन 1-4। ओके, उसके बाद आता है सेकेंड अध्याय हिंदू विवाह द हिंदू मैरिज, ये आता है सेक्शन 5-8। क्लियर। इसके बाद आता है थर्ड दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन एवं न्यायिक पृथककरण, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन न्यायिक पृथककरण आता है सेक्शन 9-10 के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ चैप्टर विवाह की एकृतता, मीन्स इंग्लिश में कहेंगे विवाह की एकृतता को नलिटी ऑफ मैरिज एंड आगे है डाइवोर्स, तलाक। ठीक है, नलिटी ऑफ मैरिज एंड ऑल्सो इंक्लूडेड डाइवोर्स सेक्शन 10 के बाद सेक्शन 11-18। ओके, इसके बाद फिफ्थ चैप्टर आता है क्षेत्राधिकार एवं प्रक्रिया, मीन्स ज्यूरिसडिक्शंस एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के ज्यूरिसडिक्शंस और प्रोसीजर के बारे में बताया गया है सेक्शन 19-28A। ठीक है, 28 का के भीतर बताया गया है क्षेत्राधिकार एवं प्रक्रिया के बारे में। इसके बाद आता है अध्याय 6 एंड लास्ट व्यावृत्तियां एवं निरसन, इंग्लिश में कहते हैं व्यावृत्तियों को सेविंग्स एंड निरसन को इंग्लिश में कहा जाता है रिपील्स। ठीक है, क्या कहते हैं सेविंग्स एंड रिपील्स। ठीक है, ये आता है सेक्शन 29-30। क्लियर, व्यावृत्तियां और निरसन को इंग्लिश में कहा जाता है सेविंग्स एंड रिपील्स, क्षेत्राधिकार प्रक्रिया को कहा जाता है ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीजर। विवाह की एकृतता एवं तलाक को इंग्लिश में कहा जाता है नलिटी ऑफ मैरिज, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स तलाक। अब आता है थर्ड चैप्टर कि दाम्पत्य अधिकार का प्रत्यास्थापन एवं न्यायिक पृथककरण, यानी कि यहां पे मैं लिख देती हूं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। ठीक है, हिंदू विवाह को क्या कहते हैं हिंदू मैरिज और प्रारंभिक मीन्स प्रिलिमिनरी। तो मैंने आपको बताया है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के भीतर धाराओं के क्रम को सबसे पहले मैंने बताया है अरेंजमेंट्स ऑफ द सेक्शंस, यानी कि धाराओं का क्रम क्या है। सबसे पहले आपने ये जाना कि 30 सेक्शंस इसमें आते हैं और इसमें 6 चैप्टर्स हैं, यानी कि 6 चैप्टर्स में क्या किया गया है 30 यानी कि 30 धाराओं को विभक्त किया गया है, जिसमें की 6 अध्याय है। अध्याय फर्स्ट कहता है प्रारंभिक प्रिलिमिनरी, जो कहता है सेक्शन 1-4, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इसके बाद सेकंड आता है हिंदू विवाह हिंदू मैरिज सेक्शन 5-8। क्लियर, थर्ड आता है दाम्पत्य अधिकार का प्रत्यास्थापन न्यायिक पृथककरण सेक्शन 9-10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
है जो मैं आपको बता रही हूँ सेक्शन वाइज। फिर फोर्थ आता है विवाह की एकता यानी कि नलिटी ऑफ मैरिज सेक्शन 11 टू सेक्शन 18 के भीतर। इसके बाद आता है क्षेत्राधिकार एवं प्रक्रिया सेक्शन 19 टू 28 ए। लास्ट आता है व्यावृत्ति एवं निरसन यानी कि सेविंग्स एंड रिपेयर्स इन विच सेक्शन अंडर सेक्शन 29 टू 30। ठीक है, मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं, अध्याय बताए हैं कितने हैं और किस किस प्रकार से किन किन चैप्टर्स के अंदर कितनी कितनी धाराएं आती हैं, किन किन धाराओं में विभक्त किया गया है वो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगी कि सेक्शन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का सेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 3 क्या कहता है, 4 क्या कहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीरियल वाइज। इसके बाद सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना आवश्यक है कि क्या इसमें कितनी कितनी सेक्शंस हैं, कितनी कितनी धाराएं आती हैं जो इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करती हूँ सेक्शन 1 का एक्सप्लेनेशन।